सो हे व्हाट्सअप गेमर गैंग, कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आ चुकी है एक और ब्रांड न्यू सोलो वर्सेस स्क्वाड की गेम प्ले वीडियो के साथ में वापस, हमेशा की तरह और हमेशा की तरह मरने वाले हैं। मैं क्या बताऊं गाइस, मैं भाई संन्यास ले लूंगा कभी इस गेम से, सही बता रहा हूं। चलो कोई दिक्कत नहीं, उतरते स्क्वाड वाइप से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल ओल्ड वर्जन में मेरे को एक स्क्वाड आती हुई दिखी थी जो कि पता नहीं अचानक से कहां ही गायब हो जाती है और कुछ गलत ही लैंडिंग करती है। देखो तुम हाँ, तो इन लोगों की हो रखी है गलत लैंडिंग और इस गलत लैंडिंग के लिए इनको भुगतना भी पड़ेगा। आप चलो एक बंदे को नॉक डालें पहले। अब यार नियत्ते बंदे को मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वो दरअसल नियत्ता है और अब देखो एक ही शॉटगन में बेचारा ठिल गया यहाँ पे। तो यार जो भाग रहा था, जो कवर में जाने वाला था, उसको पहले नॉक डालना मैंने सही समझा। अब इसका टीम मेट आ रहा है उधर से दूर से रिवाइव देने के लिए इसको, बट शाना निकलता है भाई। देख रहे हो ओपन में नहीं आ रहा रिवाइव देने। कोई बात नहीं, तुम आओ या ना आओ, हम भाई बिन बुलाए मेहमान की तरह कहीं भी टपक जाते हैं। तो वो भाई साहब तो पीछे रिवाइव देने में लगा रहता है, तो इतनी देर में मैं रोटेशन देके पहुंच जाता हूँ। और शॉटगन तो वैसे ही जिंदाबाद है। S12 के है, देख रहे हो इसके हाथ में। फिलहाल इसका एक और टीममेट आया। अब यार एक तो वैसे इतनी छोटी सी जिंदगी है, उसमें एक ही गेम है पबजी लाइट अपने पास खेलने के लिए और जिसमें तुम लोगों का प्यार मिलता है, और इसमें भी आधी से ज़्यादा जिंदगी भाई एस्ट्रल के वालों से मरने में चली जाती है। कोई बात नहीं, इस गेम में हम एस्ट्रल के रखेंगे और चलो ड्रॉप पे सीधा। नहीं मतलब चलाइए कभी जिंदगी मेरी जैसी गाड़ी, चलाइए तो एक बार कमेंट करके जरूर से बताना यार। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे कन्फ्यूज था भाई, स्कारल छोड़ू कि ग्रोजा रखूँ, कि ग्रोजा पकड़ूँ या स्कारल छोड़ू, मतलब दोनों एक ही बात है। छोड़ो यार, बस इतना कन्फ्यूज था कि मैं ग्रोजा उठाऊँ या नहीं। अब मेरे को पता चलता, याद होगा तुमको जहाँ पर मैं स्टंट करते हुए आया हुई, वहाँ पर मेरे को किसी ने तो फायर किया था जब मैं स्टंट कर रहा था। तो वापस से गाड़ी मोड़ लेते हैं और सीधा वहीं पर चलते हैं। फुटस्टेप सुनो, फुटस्टेप बहुत काम की चीज़ है, बंदा कूद चुका है घर से। अब तुम लोग बोलोगे भाई इसके हाथ में उजी है और UMP-45 है, बट फिर भी तूने S12 की चलाया यहाँ पे। तो अब जो तुमको देखने वाला ना, वो देखकर तुम ये चीज़ नहीं बोलोगे क्योंकि इसका टीममेट आने वाला है और इसके टीममेट के आते यहाँ पे कुछ गलत लेवल की एक फाइट होने वाली है। अरे अब बताओ मेरे को, मैंने S12 के रख के गलती करी या सही किया भाई? एक स्क्वाड में वैसे ही तीन बंदे निहत्थे मिल जाते हैं तो लास्ट बंदा S12 के लेके आ ही जाता है। पूरी ज़िंदगी झंड कर रखी है और भी बहुत कुछ होता रहता है गेम में, वो आगे जाके दिखेगा तुमको। अब देखो यार इधर चल रही है फाइट, ठीक है, और बंदे मेरे को दिख नहीं रहे हैं क्योंकि सारे के सारे बंदे ऊपर की तरफ है। अब जैसे ऊपर की तरफ फेस करता हूँ फिर देखो, अब इसको मैंने नॉक टू डाल दिया यहाँ पे, बट पूरा फिनिश नहीं कर पाता हूँ। अब जब तक ये लोग रिवाइव देने में बिजी है, मैं रोटेशन देके पूरा ऊपर की तरफ चला जाता हूँ क्योंकि यार पीछे की तरफ और भी बंदे हैं ना, तो ये लोग थोड़ा सा घिर चुके हैं समझ लो। तो ये मेरे लिए एडवांटेज था, इसलिए मैं चुपचाप गाड़ी लेकर सीधा ऊपर चल लेता हूँ इन पर रोटेशन देने के लिए। और अब देखो भाई, इनको गलत लेवल का सरप्राइज अटैक मिलने वाला है, लिटरली छुपन छुपाई जो खेलते रहा धप्पा वाला, वैसा होने वाला इनके साथ वाला। हाँ भाई, अब ये मैंने काफी सही चीज कर दी थी कि भाई रोटेशन देके ऊपर आ गया था, हाइट एडवांटेज फुल्ली। भैया को कतई ओवर कॉन्फिडेंस है, देख रहे हो इतनी नीचे की तरफ से भी ऊपर की साइड S12 के चला रहे हैं, मतलब दाएं दाएं जहां पर भी हो, चाहे तुम भैया गुफा में ही क्यों ना हो, तुम जमीन के अंदर घुस जाओ फिर भी S12 के चलाएंगे। इनमें से आते हैं ये भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देख रहे हो भाई 11 किलो चुके हैं मेरे, मैं बहुत ज़्यादा खुश था, लिटरली चिकन निकलने वाला था ये। मैं गाड़ी लेके सीधा जोन में जाता हूँ भाई, यहाँ पर मेरे को गाड़ी दिखी, पता तो था कि भाई बंदे हैं, बट ये नहीं पता था कि बंदे कहाँ हैं। और विदाउट
मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के होते मैं घुस गया बस, और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। कोई बात नहीं, इस गेम में इतना गम नहीं हुआ क्योंकि भैया एस्ट्रल के और आरपीजी से तो नहीं मरे हैं हम, कम से कम अपनी गलती से मरे हैं। चलो सेकंड गेम प्ले पे चलते हैं। तो भाई साहब आ चुके हैं एक और गेम प्ले के साथ, और ये सोलो वर्सेस सोलो है क्योंकि यही एक इकलौता ऐसा मैच है जिसमें अगर तुम एक एस्ट्रल की को मारते हो ना तो दूसरा एस्ट्रल की लेके नहीं आता, समझ रहे हो। और इसमें एक मेरे जैसे कपड़े वाला मिला था, उसको मैंने चैलेंज दे रखा था, जिसको आते ही एक गेम मिल जाती यहाँ पे। तो वो एक एम धारी भाई साहब तो लग जाते हैं उन भैया के पीछे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डैमेज तो कर रखा था, तो इसलिए मैं बच जाता हूँ यहाँ पे, मतलब समझ लो बेट बन गया वो भाई। अब मेरे को जैसे ही कुछ ढंकी गन मिलती है, फिर मेरे को इतना तो पता चल गया था कि उसने भाई उसको निपटा लिया, तो फिर हमारी बारी थी ना जाने की वहाँ पे, चैलेंज तो दिया था। और बच गया यार स्काउट चचा से, लिटरली भैया चचा ने मार ही दिया था यहाँ पे, बट कोई बात नहीं। और एक और चीज़ तुमको बताता हूँ, यहाँ पे किल फील्ड में अभी जस्ट नाम आया होगा एक निखिल करके, ठीक है, थोड़ा सा पीछे जब मैं उस बंदे की पेटी लूट रहा था, तो वो बंदे ने मेरे को इससे जस्ट पिछले मैच में सोलो वी सोलो में मारा था बहुत बुरी तरीके से आरपीजी से, ठीक है। तो इस मैच में बदला लिया जाएगा उसका इससे। अब यार देखो मैं चला जाता हूँ सीधा ड्रॉप पे यहाँ से निकल के, और ड्रॉप पे मेरे लिए एक बॉट जो है ड्रॉप संभाल के वेट कर रहा था, लिटरली भाई देखो क्या था वो। अब यार मेरे को लगा था भाई ये बॉट चचा जो है ड्रॉप हमारे लिए संभाल के रखेंगे, लेकिन मैं आज जैसे यहाँ पे आता हूँ मेरे पे ही फायरिंग उल्टा, भाई लगता है पहचान नहीं पाए, ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, जो अभी सामने से गाड़ी गई ना उसके पीछे लग जाता हूँ मैं सीधा ड्रॉप लूटने के बाद। और उसने भाई लिटरली ये बंदा कुछ तो चैलेंज कर रहा था, मतलब विदाउट गन्स के क्यों खेल रहा था इतनी देर तक सोलो वी सोलो, मुझे नहीं पता। अब एक तो मैं खुद परेशान था यहाँ पे कि भाई ग्रोजा का डैमेज इतना ज़्यादा है क्या, फिर पता चलता है कि भैया ने कुछ भी नहीं ले रखा था हेलमेट, मतलब सिर्फ और सिर्फ वेस्ट के सिवा, पता नहीं कर क्या रहे थे इतनी देर से गेम में, इसीलिए सिर्फ एक हेड पड़ा बस ग्रोजा का और पेटी बन गई चचा की। अब चलो यार दूसरे ड्रॉप पे, ये फ्लेयर पे नहीं जाना है, ड्रॉप पे जाना है, ठीक है। देखो भाई यार अब बैकग्राउंड से थोड़ी बहुत साउंड आएगी ना तो उसको इग्नोर मार रहा, मैं कुछ नहीं कर सकता, और ये स्कारल का स्किन भी मैं कुछ नहीं कर सकता, चेंज करना पड़ेगा इसको। अब देखो सामने की तरफ नीचे ही फाइट होती हुई नज़र आ रही थी, जहाँ पर किसी ने तो किसी को निपटाया था और गाड़ियाँ चली पड़ी है लिटरली, और यहाँ पर एक भाई साहब भी मिल जाते हैं उछल कूद करते हुए। अब रावण दहन करने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ टॉप पे, और यहाँ पर पीछे की तरफ ही कोई तो चुपचाप कुछ ना कुछ कर रहा है, चुपचाप से चल के देखते हैं क्या कर रहा है। अब इन भाई साहब को निपटाते ही यहाँ पर पता नहीं किसी को तो भनक लग जाती है, और एक और भाई साहब आ चुके हैं इतने में ही। चलो यार अगेन ड्रॉप लूटने, और ये कतई फुल स्पीड देख रहे हो भाई, ये गाड़ी से भी ज़्यादा तो ये चलती है, अगर मैं गाड़ी लेके आता ना और स्की करके तो स्की से ही सबसे पहले पहुंचता, और फाइनली इस ड्रॉप से हमको मिलने वाला AWWM। अब सोचा था AWM के बेस्ट हेडशॉट दिखाएंगे तुमको, लेकिन कोई एक हेडशॉट से या बॉडी शॉट से AWM के मरे तो सही। वैसे इन भाई साहब के ऊपर अभी एक और भाई साहब बैठे हैं जो कि अभी आने वाले हैं, मतलब शायद थर्ड पार्टी का मौका कर रहे थे, मतलब थर्ड पार्टी का इंतज़ार कर रहे थे, अरे यार क्या क्या निकल रहा मुझे, थर्ड पार्टी का इंतज़ार कर रहे थे, बट क्या उनका ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पाता, इसके लिए नूब स्नाइपिंग क्या बोलूँ मैं जी भाई। वैसे यहाँ पर मेरे साथ क्या क्या सीन होते हैं तुम देखो ज़रा एक बार।
नहीं ये वीडियो नहीं अटक रही, ठीक है, गेम लैग करने लग गया था यहाँ पे भाई बहुत गंदे तरीके से, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है गेम के साथ, बट फिर थोड़ी देर के बाद पंखे के सामने जाने के बाद ठीक हो गया सब कुछ। और जहाँ पर इस भाई साहब की पेटी बन सकती थी इस लैग की वजह से भाई साहब मेरे क्लोज आ चुके हैं। अब मैं यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था मेरे को मैं खेलूँगा कैसे। कोई बात नहीं, इस बार फिर भाई साहब एक बॉडी शॉट से बच गए, भैया को दो बॉडी शॉट में बांधता हुई लगा ली थी भाई, शायद बड़ा वाला मेडकिट लगा लिया होगा। चलो जोन में, अब जोन पहुंचते पहुंचते दो ही बंदे बचे हैं सिर्फ, और ये दोनों पहले तो आपस में लड़ते हैं और सिर्फ एक ही बंदा बचता है। तो यार याद ही होगा तुमको निखिल जिसका नाम लिया था मैंने स्टार्टिंग में, अब सिर्फ वही बचा है। और यहाँ पर मैं भाई हीरोगिरी दिखाने के चक्कर में चिकन डिनर मेरे सॉरी मुर्गा डिनर मेरे हाथ से जाने वाला था लिटरली, लेकिन बच जाता है। कैसे बचता है वो भी देख लो, बहुत इंटेंस। और इसी के साथ मिल चुका है चिकन डिनर, रोते रोते जैसे तैसे करके भाई मुर्गा डिनर हासिल कर लिया मैंने। अब देखो इस बैच इस बंदे ने मेरे को भाई पिछले बैच में आरपीजी से मारा था, तो इसकी पेटी में नाचना तो बनता है, बह गया इसकी पेटी पे एंड कर लेते हैं थोड़ा सा डांस। एंड मैं मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट तक इस गेम प्ले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बल्ले बल्ले।